ये क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन तो सिंपल था, फिजिकल पेंडुलम ए होलोस्फीयर, एक होलोस्फीयर दिया हुआ अटैच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, टू ए 18 सेंटीमीटर लेंथ लॉन्ग थ्रेड टू मेक ए पेंडुलम। पेंडुलम कौन सा होगा? सॉलिड स्फीयर है, पॉइंट मास होता तो सिंपल पेंडुलम होता, क्योंकि होलोस्फीयर है तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल पेंडुलम हो जाएगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड बताना है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द टाइम पीरियड कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम। यदि हम सिंपल पेंडुलम का फार्मूला यूज करें बजाय फिजिकल पेंडुलम का फार्मूला यूज करने के, तो जो ये वाला जो टाइम पीरियड है जो पहले टाइम शुरू में निकाला हमने, वो इससे कितना डिफर करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। चलो फिजिकल, चलो पहले इसका निकालते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है मान लेते हैं टी है। फार्मूला क्या होता है? 2πI0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सस्पेंशन पॉइंट एंड जी डी। डी इस केस में तो किसके बराबर होगा? सेंटर से, बॉडी के सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस, वो किसके बराबर? 20 सेंटीमीटर, एल प्लस आर के बराबर होगी। इसका जी जो है मैंने कितना लिया है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 भी ले सकते हैं, पर आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख, पूरा क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्यूशन भी लिख दिया, क्योंकि एरर आता क्वेश्चन के अंदर। फार्मूलों में तो इजी है सारे। आई नोट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इसके अबाउट, तो होलोस्फीयर का किसके बराबर होता? 2/3 mr² प्लस पैरेलल एक्सिस में लगा दी m इंटू 0.2 का स्क्वायर, l प्लस r का स्क्वायर। नीचे mgd, d जो है हमने निकाल ही लिया, l प्लस r के बराबर होगा। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, मास कैंसिल हो जाएगा, 2/3 r जो है 0.2 है, 0.02 है उसका स्क्वायर, l प्लस r ये 0.2 आया है का स्क्वायर, नीचे g 10 ले लिया है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये नीचे 2 रह जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये जो वैल्यू है कैलकुलेट करेंगे तो ये इतनी आएगी, 604/4 जितनी आएगी। इसको और सिंपलीफाई करें, 2π100 जो है यहाँ पे निशान लगा देते हैं और 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी, और सिंपलीफाई करें तो 2π10√2 1 प्लस। बाइनोमियल लगाते हैं तो आंसर जो है 0.6% कुछ आता है, 0.6%। कैलकुलेटर का यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो 0.3% के आसपास आता है। मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज किया है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड आता है 0.89153, कैलकुलेटर का यूज करके 0.89153 आता है। यदि हम इसकी बजाय, इस फार्मूले की बजाय सिंपल पेंडुलम का फार्मूला यूज करते, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला कितना? 2πL/g√ एल की वैल्यू जो है 0.2 है सेंट्रल मास से लेके, और जी 10 मान लिया है, तो इसका जो आंसर है वो किसके बराबर आ रहा है? 2π/10√2। ध्यान से देखें, ये चीज़ सेम है दोनों में, अंतर इस चीज़ का आ रहा है 1+0.013 × 1/2, वो है 0.8858। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये इतनी ज़्यादा है। तो जो पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, यदि हम इस सिंपल पेंडुलम मानते हैं उससे। कितनी ज़्यादा है परसेंटेज में निकाल लेते हैं, तो इसका माइनस सिंपल पेंडुलम का अपॉन दिस इन 200, इसको करेंगे तो 0.336% आएगा। बुक में 0.3% दिया हुआ है, यदि आप बाइनोमियल का यूज करते हैं तो 0.6% आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सिंपल था, फिजिकल फार्मूला, फिजिकल पेंडुलम का फार्मूला लगा के क्वेश्चन करना था और सिंपल पेंडुलम का फार्मूला लगा करना था। बस ये ध्यान में रखना था कि सॉलिड होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है और लेंथ जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंट्रो मास के बीच में लेनी है।